अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे हमारी छत पे ना कोई कूद रहा है, बड़ी तेज तेज आवाज आ रही है। फ्रेंकिल भैया तो मजे से सो रहे हैं लेकिन यार ऐसा लग रहा है जैसे छत पे ना कोई बहुत सारे लोग आ चुके हैं और हमारी छत पे एकदम से कूद रहे हैं। फ्रेंकिल भैया उठो यार, मेरे को लग रहा है फ्रेंकिल भाई छत पे ना यार भूत आ गए। अरे यार ये फ्रेंकिल भैया तो सोते रहेंगे, फ्रेंकिल भाई उठ जाओ। अरे सिंचन सोने दे यार। अरे यार तुम सोते रहोगे और घर में भूत भूत आ गया। अरे यार यहाँ तो बारिश भी चल रही है लेकिन यार बारिश में भूत ऊपर करेगा क्या हमारी छत पे? चौप से बात करनी पड़ेगी। अरे चौप भाई तू कहाँ पे है यार? वाज अब सिंचन यहीं पे भाई साहब आ जा। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। चौप के बच्चे तुझे पता है यार ऊपर कोई यार धमधम मचा रहा है। अब क्या कह रहा है भाई साहब, कौन सी धमधम मचा रहा है? अरे यार मैं सो रहा था ना तो एकदम से आवाज आ रही है जैसे यार कोई छत पे हमारी कूद रहा है, जैसे लिटिल जिगम मैं कचरा हम सब सारे दोस्त ऊपर छत पे पार्टी करते हैं तो कूदते हैं ना, वैसे छत पे कोई कूद रहा है ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा भाई साहब फिर तो भाई साहब कलवे को उठा दे। अरे नहीं यार मुझे लग रहा है या तो चोर आ गए, काम करता हूँ पुलिस वाले को बुलाता हूँ। अब भाई साहब पुलिस वाले को क्यों बुला रहा है? अरे यार पक्का छत पे ना कोई चोर आ गया यार, हमारे घर में चोरी कर लेगा। एक काम करता हूँ मैं ना पुलिस वाले को बुला ही लेता हूँ यार। हाँ पुलिस वाले आके ना यहाँ पे बढ़िया करके हमें बचा लेंगे, अगर भूत होगा तो भी बचा लेंगे। पुलिस थाने से बात कर रहे हैं, बोलो क्या बात होगी? अरे यार पुलिस थाने अंकल भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अरे मेरे पुलिस थाने नाम नहीं है, ये बताओ हुआ क्या है? अरे यार मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारी छत पे ना चोर आ गए भाई, जल्दी आ जाओ हमें बचाने के लिए। अच्छा ठीक है, अरे अपना एड्रेस बताइए। अरे काम करता हूँ मैंने आपको लोकेशन भेज देता हूँ, लोकेशन देख देख के हमारी छत पे आ जाओ फटाफट से। छत पे नहीं आना, तुम्हारे घर में आना है। चोर वोर तुमने अभी तक देखी अपनी आंखों से? अरे हमने नहीं देखी। अब भाई साहब पहले कलवे से तो पूछ लेता, भाई साहब तुमने तो पुलिस वाले को कॉल मिला दिया। अरे मैं अभी उसे लोकेशन भेज देता हूँ। ये घर को आज मैं नष्ट करके रहूंगा क्योंकि मुझे पता है इस घर के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर काफी सारा सोना है, वो सारा सोना मैं लेके रहूंगा, ये ले तोड़ दूंगा इस घर को। एक काम करता हूँ सुबह होने का वेट करता हूँ, जैसे ही सुबह होगी तो इस पूरे घर को तोड़ दूंगा और सारा सोना लेके भाग जाऊंगा और मारता हूँ बम बहुत बढ़िया, इसकी पूरी छत को चटका दूंगा इस पे गोलियां मार मार के। जादुई गोलियां हैं मेरे पास, बहुत सारा सोना लेके फुर्र हो जाऊंगा मैं इस धरती से और बहुत मजे से रहूंगा, सुबह होने का वेट कर रहा हूँ मैं। बॉस तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे के घर में सच में चोर आया हुआ क्या? मेरे को लगता है वो बच्चे ने ना हमें प्रैंक कॉल करी है। अरे नहीं प्रैंक कॉल नहीं करी, अगर उसके घर में सच में चोर आया और हम गए नहीं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा केस हो जाएगा। अरे बॉस हम पे कौन केस करेगा, हम तो खुद ही पुलिस वाले हैं। जल्दी देख के बता कहाँ है लोकेशन? अरे बॉस मेरे ख्याल से बस यही वाला जो घर आ रहा है यही वो घर है। अच्छा यही घर है, देखते हैं इस घर में चोरी हुई भी है या नहीं हुई। अरे बॉस मेरे को तो लगता है उस बच्चे ने प्रैंक कॉल करी है, मेरे को यहाँ पे लगता नहीं है कि कोई चोरी वोरी हुई होगी। अगर बॉस यहाँ पे चोरी वोरी हुई होती तो बहुत सारी भीड़ लग रखी होती। अरे एक तो मैं तंग आ गया इस बारिश से, ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी, बड़ी दिक्कत हो रही है। वो बच्चा बोल रहा था कि उसकी छत पे चोर है लेकिन छत पे जाने के लिए जीने तो है नहीं, नीचे जाने के लिए जीने देखना पड़ेगा। अरे बच्चों कहाँ है? अरे एक सेकंड ये कौन है? अरे ये तो कुत्ता है। अब भाई साहब मेरे को गोली मत चला दियो। अरे ये तो बोलने वाला कुत्ता है, कोई है क्या घर पे? अरे यार मेरे को लगता है पुलिस वाले आ गए, जल्दी चलता हूँ यार फ्रेंकिल भैया को भी उठा देता हूँ। अरे फ्रेंकिल भैया तो उठ ही गए। अबे यार सिंचन मच्छर काट रहा है मेरे को। अरे फ्रेंकिल भैया यार मैंने ना पुलिस वाले को बुलाया है। अबे सिंचन क्यों मजाक कर रहा है? अरे यार फ्रेंकिल भैया आ जाओ यार। अरे बच्चे कहाँ है चोर, ये बता कहाँ है चोर? अरे यार चोर भैया वो ना ऊपर है। अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। अरे हाँ पुलिस वाले भैया, चोर भैया ना यार ऊपर है। अरे तू तो चोर को बड़ी इज्जत देता है, ये बता घर में कोई बड़ा है नहीं है? अरे मेरे को लग रहा है सिंचन ने सच में पुलिस वालों को बुलाया है। अरे बाप रे सिंचन ने तो सच में ही बुला लिया। फ्रेंकिल भैया देखो ये है भाई पुलिस वाले भैया। अरे ये बताओ चोर कहाँ पर है? अरे चोर कौन सा चोर? अरे यार फ्रेंकिल भैया तुम्हें नहीं पता हमारी छत पे ना चोर आ गया? अबे सिंचन तूने पुलिस वालों को बता दिया और मेरे को नहीं बताया, मेरे को कम से कम जगा तो देता, चोर हमारे घर पे आ गया। अरे यार फ्रेंकिल भैया मैंने क्या सोचा यार तुम्हारी नींद खराब ना करूं, इसलिए फ्रेंकिल भैया मैंने तुम्हें बताया नहीं। अबे यार सिंचन के बच्चे कहाँ है चोर? फ्रेंकिल भैया हमारी छत पे है, छत पे जाके देखूं तो सही। यार चोर की हिम्मत कैसे हुई मेरी छत पे आने की? छोड़ूंगा नहीं उस चोर को, पता नहीं यार मेरी छत से क्या लेने वाला है। मेरे घर पे तो वैसे भी कुछ है नहीं यार वो चुराने के लिए, फिर मेरे घर पे वो आया क्यों? लेकिन यार यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। अरे यार सिंचन ने खाली पीली पुलिस वालों को बुला लिया। ये जो बच्चा है ये बड़ा चालाक है, इसने फ्रेंकिल भैया की नींद खराब नहीं करी और मेरी नींद खराब कर दी, मेरे को बुला लिया। बच्चे तू तो बड़ा चालाक है। अरे फ्रेंकिल भैया यार सोते हैं तो मैं उन्हें सोने देता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करता, तो तूने हमें डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे छत पे तो कोई चोर वोर है नहीं। अरे यार ये बच्चे के उसमें आने नहीं चाहिए था मेरे को चंगुल में, यहाँ पे कहीं पे तो चोर है नहीं। अरे हाँ पुलिस वाले भैया मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सिंचन के चक्कर में आप डिस्टर्ब हुए। अरे कोई बात ना, हमारा तो ये काम है, लेकिन मैं एक बार छत को पूरी छानबीन करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ आप देख लो मेरे पूरे घर को देख सकते हो, ठीक है यहाँ से देखता हूँ क्या पता चोर यहाँ वहाँ पे अगर हो तो। अरे अरे यहाँ तो कुछ आई नहीं, बचाओ बचाओ। अरे अरे लग गई, नहीं नहीं नहीं, अरे 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 टाट फूट गई। अरे सीट बॉस तो नीचे गिर गए, लगता है उनका पैर फिसल गया होगा बारिश के पानी से। अरे अंकल यार क्या हो गया? अरे रुक जा बच्चे, मेरे बॉस नीचे गिर गए, लगता है उनके बहुत ज्यादा चोट आई होगी, जल्दी जाना पड़ेगा, लगता है उनका ना पैर फिसल गया होगा ये बारिश की वजह से। बारिश भी तो बहुत तेज हो रही है, जल्दी वैन को भगाना पड़ेगा, एक तो ये पुलिस की गाड़ी इतनी गंदी दे रखी है हमको चलती है नहीं। हे हे हे, पुलिस वाले को बुलाया तब
पुलिस वाले को, इन्हें क्या पता है यहाँ पे कोई चोर वोर नहीं, मेरी गन का कमाल है। ये मेरी गन जिसके घर पे भी एक बार टपक जाती है तो बहुत तेज आवाज करती है, ये लो तोड़ दूंगा। बस सुबह हो जाए उसके बाद तो इसके घर को छोड़ूंगा नहीं, पूरे घर को तोड़ ही दूंगा और उस गुफा के अंदर घुस जाऊंगा। अगर इस बारिश में यार चाय और पकौड़ी मिल गई ना खाने को तो मजा ही आ जाएगा। चलो यार बनाते हैं पकौड़ी और चाय। चल सिंचन आ जा, तेरे को चाय और पकौड़ी खिलाता हूँ। अरे यार फ्रिंगल पे लेकिन कहाँ से खिलाओगे यार, दूध तो है ही नहीं घर पे। अब सिंचन रात का दूध बचा हुआ है, आ जा उससे चाय बना लेंगे और मस्त करके पकौड़ी बना के खाते हैं। अरे फ्रिंगल भाई यार उप्पी यार पकौड़ी खिलाओगी मेरे को, आ जा सिंचन बहुत मजा आने वाला है। यार जब भी बारिश आती है ना मेरा तो बहुत ही मन करता है चाय और पकौड़ी खाने का, फटाफट से बना के खाते हैं। अरे यार जब भी ये बारिश होती है ना मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है, अब मेरा एक भी फूड बिकेगा नहीं। एक सेकंड, ये कौन बीच सड़क पे खड़ा है, अभी बताता हूँ, लगता है इसका मानसिक संतुलन ना हिल गया है पूरा का पूरा। ओए तू, तेरे में दिमाग नहीं है, तू बीच सड़क पे ऐसे खड़ा हुआ है, अभी तेरे घूंसे मार के चटका दूंगा। अरे घूंसा मार दिया, बेफालतू की छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब क्या कर लेगा तू मेरा है छिड़कुट से कहीं के, अभी बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास गन है। अब कैसी गन है तेरे पास, क्या कर लेगा तू मेरा, अभी बताता हूँ तेरे को, है तेरे को बताता हूँ क्या कर लेगा। अरे कैसा करंट मारा मेरे, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया गायब कर दिया उसे तो, अब इसकी ये जो बस है इसे भी गायब कर देता हूँ। आया बेटा मेरे को मारने के लिए, इसे मेरे बारे में बिल्कुल भी अभी अंदाजा नहीं है, अभी बता दो इसकी बहन को, ये ले गायब हो गई है। वैसे भी सुबह हो रही है, धीरे धीरे करके फाइनली टाइम आ गया इसके घर को नष्ट करने का। इसका दरवाजा वरवाजा सब तोड़ दूंगा, बाहर निकलो बे, जो भी इस घर में रहते हो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अबे यार सिंचन ये कैसी आवाज है फ्रिंकल भैया, ये ना वैसी आवाज है जब ये रात को ऐसा लग रहा था ना मुझे कि कोई हमारी छत पे कूद रही है, वैसी आवाज है, जाके चेक करना पड़ेगा कौन है यार जिसने हल्ला गुल्ला मचा रखा है। अरे ये कौन है, ये तेरा ही घर है, मुझे गिराया क्यों, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये क्या हुआ, मेरी गन तेरे पे इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही, अभी छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ये ले अभी बताता हूँ तेरे को। अबे क्या बोल रहा है, अरे अरे ये क्या चला रहा है, ये तो खुद ब खुद ही गिर जा रहा है। अरे बाप रे मेरी तो काम ही नहीं कर रही, अभी बताता हूँ तेरे को, ये ले अपनी टॉय वाली गन से तेरी थूथ फोड़ दूंगा। अबे सिंचन ये क्या कर रहा, तूने तो उसको मार दिया, और क्या फ्रिंगल भाई ये देखो यार मैंने तो अपनी टॉय वाली गन से ना यार इसकी शक्ल फोड़ दी यार, इसकी शक्ल पे ही गोलियां चलाई। अरे यार ये है कौन बंदा, सिंचन तुझे पता है इसके हाथ में ना एक बड़ी अजीब सी गन थी, ये उससे ना मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद ही मर जा रहा था। अरे यार फ्रिंगल भाई जैसे मैंने देखा ना ये तुम्हारे ऊपर यार गोली चला रहा है, वैसे फ्रिंगल भाई मैंने यार अपनी टॉय वाली गन से इसको मार दिया, लेकिन ये मेरे को मारना क्यों चाह रहा था। अरे ये क्या हुआ सिंचन, अरे मेरी बात एकदम अब तू ध्यान से सुनियो, पता नहीं तेरे अंदर कौन सी पावर एक्टिवेट हो रखी है, मेरी जो गन की गोली है वो सब पे चलती है लेकिन तेरे पे चली नहीं, पता नहीं तू कौन है, और अभी मैं पूरा मर चुका हूँ। अरे कहाँ मारा, तू तो एकदम जिंदा है। अरे हाँ यार फ्रिंगल भाई मैंने तो अपनी टॉय वाली गन से यार इसे मार दिया, ये जिंदा कैसे हो गया। अरे अब मेरे अंदर कोई पावर नहीं रही, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को एक बात बता के जा रहा हूँ, जो तेरा घर है ना उसके अंदर बहुत बड़ी गुफा है एकदम अंडरग्राउंड, तुझे उसके अंदर जाना होगा, वहाँ पे तुझे बहुत सारा खजाना मिलेगा, वो सब तेरा होगा। अरे यार फ्रिंगल भाई ये कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरे घर पे इसलिए ही आया था, मैं तेरे को मार देता और तेरे घर को तुड़वाता, उसके बाद उस गुफा के अंदर घुस के सारा खजाना लेके फुर हो जाता, अब वो सारा खजाना तू ले लियो। अरे यार फ्रिंगल भाई ये कैसी बातें कर रहा है, अबे अबे ये क्या रहा है, अरे यार फ्रिंगल भाई ये क्या रहा है, बचाओ फ्रिंगल भाई बचाओ। अरे सिट यार ये कैसे हो सकता है यार, इस धुएं में से तो पैसे निकलने देखो सही ढंग से, और एक सेकंड ये मेरे हाथ में कैसी गन आ गई, ये तो वही गन है जो ये मेरे ऊपर चला रहा था, लेकिन सिंचन कहां गया। अरे यहां पर सिंचन भी नहीं है और वो बंदा भी नहीं है, सिंचन गया कहां पे। अरे यार फ्रिंगल भाई मैं तो अपने घर में आ गया, देखो फ्रिंगल भैया अभी आता हूं सिंचन, लेकिन सिंचन नीचे कैसे पहुंच गया एकदम से। अरे देखो यार फ्रिंगल भाई मैं तो यहां पे पहुंच गया, अब बात अब कल हुई, सिंचन अचानक से यहां पे कैसे आ गया, तो बाहर गया था ना तेरे साथ। फ्रिंगल भैया मेरे ख्याल से यार उस बंदे ने मेरे को यहां पे भेजा है, और देख सिंचन उसने देख मेरे को एक गन भी दे दी जो उसके हाथ में थी, जो वो मेरे को चला रहा था। अरे हां यार फ्रिंगल भाई इसी गन से वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। अरे बाप रे यार ये गन तो काफी पावरफुल है, बहुत बढ़िया, ये गन तो बहुत काम आने वाली है मेरे। फ्रिंगल भैया मेरे को लग रहा है यार हमको ना यहां पे गड्ढा खोदना चालू करना पड़ेगा जहां पे मैं खड़ा हूं, उसके बाद शायद फ्रिंगल भैया यहां पे ना यार बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। हां सिंचन वो कुछ कह तो रहा था, मेरे घर के अंदर ना एक अंडरग्राउंड है जिसके अंदर काफी सारा खजाना है। आज तो फ्रैंकिल के लिए ऐसी न्यूज़ लेके जा रहा हूं ना, फ्रैंकिल तो ना छूटेगा। और ये बारिश भी बंद हो गई फाइनली, सुबह से जीना हराम कर रखा था इस बारिश ने। बारिश जब भी होती है तो कीचड़ काचड़ हो जाती है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे फ्रैंकिल भैया है क्या घर पे, खुश हो जाओगे फ्रैंकिल भैया, बाहर तो आओ। अरे ये तो मेरे दोस्त की आवाज है, जाके ना इसको बताता हूं कि अभी मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये तो बहुत ही खुश हो जाएगा। अरे हाँ इससे भी मैं ना खुदवाना स्टार्ट करूंगा। अरे फ्रैंकिल ऐसी न्यूज लाया हूं तेरे लिए, सुनते ही तू यही ना चुटेगा ना चुटेगा। अरे कौन सी न्यूज लेके आ गया तू, मेरी बात सुन तू ना चुटेगा। अरे तेरे लिए जॉब लेके आया हूं, जॉब यार तू कुछ काम नहीं करता, अब तेरे को जॉब मिलेगी तो तेरे पास पैसे आएंगे। अबे चल ना, जॉब वॉब कौन कर रहा है, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, अब ना मेरी किस्मत खुलने वाली है,
फटाफट से तू ना नीचे जाके गड्ढा करने लग जा, उसके बाद मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा। अरे क्या गड्ढा करने के मुझे पैसे देगा, फिर तो तालियां बजाओ तेले, तालियां बजाओ। अभी जाके मैं फटाफट से यार बहुत सारे उनको लेके आ जाता हूँ, वर्कर को, वो आके ना वो भी मेरे घर में गड्ढा करना चालू कर देंगे। उसके बाद जैसी गुफा खुद जाएगी ना, वहां पे मेरे को बहुत सारा डायमंड गोल्ड सब कुछ मिलेगा। लेकिन यार ये काम करने वाले मेरे को मिलेंगे कहाँ, यहाँ पे काफी सारी भीड़ तो लग रही है। एक काम करता हूँ, इनसे ही पूछ लेता हूँ, यही मेरे को बता देंगे कि आखिरकार ये काम करने वाले मिलेंगे कहाँ। अरे भाई कहाँ जा रहे इतनी जल्दीबाजी में? अरे रिजल्ट आया, मैं तो फेल हो गया, अब तो पापा बहुत मारेंगे। अरे वो बात ठीक है तेरी, फेल हुआ ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे तू तो बेवकूफ लग रहा है, भाग रहा हूँ मैं, मारेगा बनना मुझे, फेल हो गया मैं तो। अरे भाई मेरे को एक बात बता, ये काम करने वाले कहाँ मिलेंगे? मुझे गड्ढा करवाना है, ये बंदा तो चले गया इग्नोर करके। अरे यार जितने भी यहाँ पे बंदे खड़े थे ना, सारे बंदे चले गए, पता नहीं इनको क्या हो गया। एक काम करता हूँ, इस बंदे से पूछता हूँ। ओए भाई मेरी बात सुन। ओए अब जा रहा हूँ भाई, मारियो मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे भाई मैं मारने थोड़ा आया। अरे ये सब लोग डर क्यों रहे हैं? शायद मेरे हाथ में गन है ना, इसलिए डर रहे होंगे। सर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपके हाथ में गन है ये कितने को मिलेगी? मुझे अभी चाहिए कार्टून वाली गन लग रही है मेरे को। अरे भाई कार्टून वाली गन थोड़ा, अरे मुझे मारना मत, मैं जा रहा हूँ इसलिए मुझे मारना मत। अरे भाई सुन तो सही, सुन तो सही यार, ये भी भग गया, पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया, फटाफट से भग जा रहे हैं ये मेरी आवाज सुनते ही। मेरे ख्याल से मेरे हाथ में ये गन देख के ना भग जा रहे हैं, सारे लोग डर जा रहे हैं मेरे से, ये बंदा जरूर बताएगा। और भाई कहाँ जा रहा है तू मेरे को बता दे, तेरी सेट काफी बढ़िया लग रही है। अरे ये भी भग गया, सच में ये डर रहे हैं यार मेरे से। चलो कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, वहां पे जाके चेक करता हूँ कहाँ मिलेंगे ये मेरे को काम करने वाले। फटाफट से काम करने वालों को ढूंढता हूँ, उसके बाद अपना घर तोड़ के ना उसके अंदर एक फटिया करके गुफा खुदवाऊंगा और वहां पे देखूंगा फिर मेरे को कहाँ पे गोल्ड मिलेगा, डायमंड मिलेगा। ये तो सिंचन की कॉल है। अरे यार फ्रिंगल पे जल्दी आओ यार, फ्रिंगल पे घर पे आ जाओ अब यार, कुछ खुदवाने वुदवाने की जरूरत नहीं है। अबे सिंचन क्या बात हो गई? अरे यार पता है फ्रिंगल भैया, अचानक से यार एक गेट बन गया हमारे घर पे यार, जैसे मेरे ख्याल से उस गेट को हम खोलेंगे ना तो फ्रिंगल भैया हम ना उसी गुफा में चले जाएंगे। क्या सिंचन सच कह रहा है क्या? हाँ यार फ्रिंगल भैया, जैसे मैं सोच रहा था ना यहाँ पे गड्ढा करूंगा, जैसे मैंने यार थोड़ा सा यार गड्ढा करने की कोशिश करी वैसे एक गेट खुल गया। अरे वाह यार सिंचन ने ये मेरे को बड़ी अच्छी न्यूज सुनाई है, जल्दी से अब घर जाके देखता हूँ कौन सा गेट खुल गया और फटाफट से उसे खोल के ना अपनी गुफा के अंदर जाएंगे, फिर तो बहुत अमीर हो जाएंगे हम। फाइनली गाइस बस मैं अपने घर पे पहुंचने वाला हूँ और मेरे तो पूरे हाथ पैर कांप रहे हैं यार, पता नहीं कौन सा गेट खुल गया है। जैसे मैं उस गेट को खोलूंगा ना मैं तो बढ़िया से गुफा के अंदर पहुंचूंगा, फिर वहां से यार जितना भी डायमंड गोल्ड होगा ना सब अपने घर लेके आ जाऊंगा, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे यार। वो जो बंदा था ना काफी बढ़िया मिल गया। सिंचन कहां है तू? अरे यार फ्रिंगल भैया जल्दी आओ यार, देखो यहां पे एक गेट खुल गया फ्रिंगल भैया। अरे वाह सिंचन ये कैसा गेट है? अरे यार फ्रिंगल भैया ये ना अचानक से आ गया यहां पे, मेरे ख्याल से जैसे हम फ्रिंगल भैया इस गेट को खोलेंगे ना यार हम तो बढ़िया करके यार गुफा के अंदर पहुंच जाएंगे। राइकिल मैं क्या कह रहा हूं भाई, थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे को भी चाहिए भाई, मैं भी अमीर होना चाहता हूं, तुम तो अमीर हो ही जाओगे। अरे एक जादू दिखाता हूं यहां पे, अरे ये लो बहुत ही बढ़िया फ्रिंगल भैया यार, टाइम पास मत करो यार, क्या पता ये गेट यहां से गायब हो जाए, अगर गायब हो गया ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यार सिंचन पेट में घुसा तो मत मार, बड़ी तेज मार दिया तूने। फ्रिंगल भैया यार जल्दी करो यार, चलते हैं यार इस गेट को खोलो फटाफट से चलते हैं। लेकिन यार इसका जो गेट है ना फ्रिंगल भैया बहुत टाइट है, अभी रुक जा सिंचन है तोड़ ही देता हूं ना इस गेट को। ये क्या हुआ? अरे ये कहां पे आ गया मैं? अरे यार फ्रिंगल भैया मैं भी हूं यार यहां पे। ओए सिंचन कहां जा रहा है तू? अरे कुछ नहीं फ्रिंगल भैया, देख रहा हूं यार ये दीवार कैसे टूटेगी। यार सिंचन जैसे ही मैंने उस गेट पे ये गन चलाई हम तो इस गुफा के अंदर आ गए, यहां पे तो भाई सच में डायमंड रखा हुआ है सिंचन। अरे यार फ्रिंगल भैया डायमंड नहीं यार, ये सारा गोल्ड है। अरे हां यार मैं भी क्या-क्या बोल रहा हूं, यहां पे तो सच में गोल्ड है, लेकिन यार सिंचन ये बहुत कम गोल्ड है यार। अरे पर फ्रिंगल भैया ये सोचो अभी इस गुफा के अंदर से कैसे निकलेंगे, यहां पे तो कोई गेट भी नहीं है। अब सिंचन रुक जा, पहले मैं इस गुफा को पूरा देख के आऊं, क्या पता आगे गोल्ड और पैसा वैसा रखा हो। अरे फ्रिंगल भैया मैं नहीं आने वाला, मैं तो वहीं पे रुका हूं। ठीक है सिंचन तू वहीं पे रुक, मैं एक बार चेक कर लूं। यार ये तो बड़ी भयानक गुफा है, इसके अंदर अगर कोई अकेला बंद होगा ना भाई वो तो डर के यही मर जाएगा। इसके अंदर से लेकिन कुछ अजीब अजीब सी आवाज भी मेरे को आ रही है। फ्रिंगल भैया यार कहां हो यार? फ्रिंगल भैया जल्दी आओ यार गुफा वुफा देख के, मेरे तो फ्रिंगल भैया टॉयलेट निकलने वाला है, बहुत डर लग रहा है। अबे सिंचन रुक जा, मैं एक बार चेक कर लूं ये गुफा सही ढंग से। एक सेकंड, ये कौन बंदा है यहां पे? अरे बाप रे ये कहां से है बंदा है? ये तो कोई मेरे को जोकर लग रहा है। अरे यार इसकी हालत देख के तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, लगता है मेरे को और सिंचन को ना इस गुफा के अंदर से निकल जाना चाहिए। यार मैं तो डायमंड के चक्कर में यहां पे आ गया और अब लग रहा है मैं मर ना जाऊं कहीं। चलो यार फटाफट से इस गुफा के अंदर से निकलता हूं, लेकिन यार हम निकलेंगे कैसे, यहां पे तो कोई दरवाजा ही नहीं है बाहर निकलने का। फ्रिंगल भैया यार मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फ्रिंगल भैया हां सिंचन तेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है। एक सेकंड ये क्या चीज है यार, ये तो अभी अभी आई है, पहले तो ये यहां पे बिल्कुल भी नहीं थी। रुक जा बेटा तू, अरे यार अब तो मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे, पता नहीं कौन निकलने वाला है। अरे यार ये कौन है, ये भूत तो नहीं है कहीं? लेकिन ये भूत तो मेरे को कहीं से लग नहीं रहा। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पे कैसे आना हुआ तेरा? ये पूरी 500 करोड़ साल पुरानी गुफा है, आज तक इसमें कोई इंसान नहीं आया, लेकिन तू इसमें कैसे आ गया? अरे यार मैं आपको क्या बताऊं, एक बंदे ने ये गुफा के बारे में मेरे को बताया था और ये गुफा ना मेरे घर के नीचे है। अच्छा तेरे घर के नीचे है,
ये बता अब इस गुफा से जाने का क्या लेगा तू? अरे मैं तो यहाँ पे गोल्ड और डायमंड लेने के लिए आया था। अच्छा तो तू इस गुफा में गोल्ड लेने के लिए आया है। अगर तेरे को मैं गोल्ड दे दूँ तो इस गुफा के अंदर से बाहर निकल जाएगा ना, और कभी इस गुफा में आएगा तो नहीं? अरे नहीं, मेरे को कभी नहीं आना इस डरावनी गुफा के अंदर, बस मैं मेरे को निकाल दो यहाँ से कैसे भी करके। ठीक है, मैं तेरे को एक ऐसा वरदान देता हूँ, तू जिस भी चीज को टच करेगा वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को वादा कर इस गुफा में दोबारा तू कभी आएगा नहीं। अरे हाँ यार, वादा करता हूँ कभी इस गुफा में वापसी नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, मैं अभी तुझे बाहर भेजता हूँ, और मैंने तेरे को वरदान दे दिया है, अंदर मंत्र जादू मंत्र छू, अब बेटा जैसे तू आया था वैसे वापसी चले जा। अच्छा मैं गन मार के देखता हूँ, और ये लोग, अरे वाह सिंचन हम तो बाहर आ गए। अरे भाई यार फ्रिंगल भाई, हम तो बाहर आ गए फ्रिंगल भाई, लेकिन यार फ्रिंगल भाई वहाँ पे जो गोल्ड था ना यार, वो तो इस गुफा के अंदर ही रह गया, दोबारा चलो। नहीं सिंचन, अब हमने उसमें दोबारा नहीं जाएंगे। और सिंचन तुझे पता है, वहाँ पे ना मेरे को एक बाबा मिला था, उसने ना मेरे को एक ऐसा वरदान दिया है, मैं जिस भी चीज को टच करूंगा ना वो ना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यार क्या सच कह रहे हो क्या फ्रिंगल भाई, मेरे को टच मत कर देना। नहीं सिंचन, तेरे को मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन तू तो भाई गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। रुक जा, इस दरवाजे को टच करके देखता हूँ। अरे वाह यार सिंचन, यहाँ पे देखियो छोटे छोटे फूल आ गए। लेकिन फ्रिंगल भाई तुम कह रहे थे यार यहाँ पे तुम जिस भी चीज को टच करोगे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। रुक जा, इन कुर्सियों को टच करके देखता हूँ, क्या पता ये गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही बढ़िया, देख सिंचन। अरे वाह यार फ्रिंगल भाई, ये तो यार देखो यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए। अरे यार हमारी कुर्सी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब मैं जिस भी चीज को अब टच करूँ ना वो ना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यार मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। एक सेकेंड, ये गाड़ी कहाँ से आ गई? अरे यार यहाँ पे मेरे घर के आगे खाली जगह, लोग देखते नहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। इसे मैंने टच करके देखता हूँ क्या होता है। इसे टच करा, अरे वॉस इंजन ये भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अरे यार फ्रिंगल भाई, जिसकी भी गाड़ी है यार उसकी तो मजी आ गई यार, उसकी गाड़ी तो बहुत महंगी में बिकेगी। मेरे ख्याल से फ्रिंगल भाई ये जो गाड़ी है ना यार हमारे पड़ोसी की है यार, हमारा पड़ोसी यही जो हमारे घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी करके जाता है। एक सेकंड सिंचन, इसको खोल के देखते हैं, क्या पता इसका लॉक खुलाओ। अरे वाह यार इसका तो लॉक भी खुला है, बैठ जा फटाफट से सिंचन। अब तेरे को एक ऐसी लोकेशन पे लेके चलता हूँ जिससे कि सिंचन हम अमीर हो जाए। अरे यार ऐसी कौन सी लोकेशन पे लेके जा रहे हो? सिंचन मैं ना एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ना यार गाड़ियां बेचता है, उसके पास ना बहुत सारी सुपर कार है वो बेचता है। अब सिंचन उसके पास चलते हैं और इससे ना बिजनेस करेंगे, जाके सिंचन उसकी सारी गाड़ियों को यार गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद सिंचन उससे बहुत सारी गाड़ियां ले लेंगे, फिर अपनी गाड़ियों की कलेक्शन बनाएंगे। अरे वाह यार बहुत मजा आएगा फ्रेंगिल भैया, और उसके बाद तो सिंचन अपने लिए बहुत बड़ा घर भी खरीदेंगे। अरे यार फिर तो और ही मजा आएगा। और गाइस जब तक हम उस गाड़ी वाले के पास पहुंच रहे हैं, आप लोग गाइस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जिस किसी ने भी नहीं करा। अरे हाँ गाइस यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। देख सिंचन बस हम पहुंच गए, ये रहा भाई वो गाड़ी वाला। अरे यार फ्रिंगल भाई यहाँ पे तो बहुत सारी सुपर कार खड़ी है। हाँ सिंचन ये जितनी भी कार है ना सारी सुपर कार है, आ जा फटाफट से इस बंदे से बात कर लेते हैं। ओए भाई यार मैं तेरी गाड़ियां खरीदने के लिए आया हूँ। अरे तो गाड़ियां खरीदने के आए तो खरीदना, हम भी तो बेचने के लिए बैठे हैं ना। अरे भाई एक बात बता, अगर मैंने तेरी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे को तू कितनी गाड़ी दे देगा? अरे क्या बात कर रहा है, देख ले मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, अगर तू गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो तेरे मार देंगे। रुक जा अभी तेरे को दिखाई देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको गोल्ड में कन्वर्ट करता हूँ। ये ले भाई गोल्ड में कन्वर्ट कर दी। अरे क्या ऐसा कैसे कर सकता है, तूने उसे टच करा और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब तुझे कोई वरदान मिल रखा है। अरे हाँ यार मेरे फ्रिंगल भाई को ना वरदान मिला हुआ है, बहुत तगड़ा वाला। तू मेरी सारी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, मैं तेरे को मुंह मांगी रकम दूंगा। बहुत बढ़िया, बस यही तो सुनना था मेरे को। चलो यार फ्रिंगल भाई सारी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, आधी गाड़ी हम लेके चले जाएंगे। हाँ सिंचन यार सारी गाड़ियां लेके चले जाएंगे हम तो। अरे यार फ्रिंगल भाई पर ये सारी गाड़ियां नहीं देगा, आधी गाड़ी देगा। पता है सिंचन मुझे ये से टच करा, अरे यार ये तो आधी गोल्ड में कन्वर्ट हुई। चलो छोड़ो यार यहाँ पे अब जितनी भी गाड़ी है ना सबको मैं टच करता हूँ और सबको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ फटाफट से। फाइनली गाइज यहाँ पे जितनी भी गाड़ी थी गाइज मैंने सभी को टच करा, और यहाँ पे देखो यार सारी गाड़ियां गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो रखी है, और यार सारी गाड़ी एकदम ओपी लग रही है। और देखो गाइज ये जो रॉकेट है ना ये मेरे को गाड़ी वाले ने दिया है, कितना बढ़िया यार। हाँ यार फ्रिंगल भाई हमको खुशी मनाने के लिए दिया है, ये बहुत ओपी लग रहा है मेरे को तो। हाँ सिंचन देखियो क्या बढ़िया करके फटता है, देख उधर फेंक के मारता हूँ, और ये देख फटने वाला है, फटाफटा फट गया। अरे यार ओपी फ्रिंगल भाई, एक बार फ्रिंगल भाई मेरे को भी चला दो। नहीं सिंचन ये ना बहुत भारी है, तू इसे चला नहीं पाएगा, कहीं तूने किसी के मार देना यार उसके बहुत तेज चोट लग जाएगी इससे। अरे हाँ यार ये बात भी तुम सही कह रहे हो फ्रिंगल भैया। चल सिंचन अब एक काम करता हूँ, मैं ना बैनी को बुलाता हूँ, बैनी आएगा यहाँ पे ट्रक लेके, और यहाँ पे आधी से ज्यादा गाड़ी ना हम अपने घर लेके चले जाएंगे, और इस बंदे से थोड़ा मैं कैश भी ले लूंगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा घर खरीदने वाले हम तो। बहुत बढ़िया, तो मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, मांगो कितनी रकम मांगते हो? अरे भाई मेरे को ना थोड़ी बहुत गाड़ी दे दे और 2-3 करोड़ रुपए दे दियो। ठीक है तुम्हें जो मांगना है मांगे और हम दे देंगे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया, बोले भाई क्या बात हो गई, अपना काम कर रहे हैं तुम्हारी तरह घर पे थोड़ी ना बैठे। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ बैनी, तू ना फटाफट से बहुत सारी ट्रक लेके आ जा, मेरे पास ना बहुत सारी सुपर कार है जो की गोल्ड में कन्वर्ट हो रखी है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी सटक गई है क्या? अरे तू टेंशन मत ले, तू जल्दी यार तेरे ट्रक का खर्चा तेरे को भी मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तू ट्रक लेके आ जा। ठीक है लोकेशन भेजो, हम आ रहे हैं फटाफट से, और अगर कुछ गलत हुआ तो बताएंगे हम तुमको। अरे यार फ्रिंगल भैया बैनी भैया तो ज्यादा ही बोल रहे हैं यार, फटाफट से बुलाओ ना इनको। हाँ सिंचन मैंने से बोल तो दिया, बस आता ही होगा ये भी। तो गाइस यार यहाँ पे अभी पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं, और यहाँ पे अपना दोस्त भी आ चुका है बैनी। फ्रेंकल
भैया सच बताए ना, तुम्हारा तो लेग खुल गया एकदम से। और यार यहाँ पे आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, देखो यार बैनी यहाँ पे कितने बड़े बड़े ट्रक लेके आया है। हाँ यार फ्रिंगल भैया बहुत सारी ट्रक लेके आ गए, ट्रक में ना यार बहुत सारी गाड़ियां चली जाएंगी। और यहाँ से सिंचन पता है तुझे, मैं पूरी 10 गाड़ियां लेके जाने वाला हूँ। हाँ यार फ्रिंगल भैया 10 गाड़ी ले लो और 2-3 करोड़ रुपए ले लो बढ़िया करके, फिर तुम मजे लेंगे अपनी जिंदगी में। हाँ सिंचन सही कह रहा है, एकदम ओपी वाली जिंदगी जिएंगे। आज सिंचन इस गाड़ी से ना सबसे पहले अपने घर चलता है, और उसके बाद सिंचन यहाँ पे ना ये जो बैनी है ना बहुत सारे पैसे लेके आ जाएगा हमारे घर पे, और यहाँ पे 10 गाड़ी भी हमारे घर पे लेके आ जाएगा गोल्ड वाली। हाँ यार फ्रिंगल भैया, और ना यार एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लो। हाँ सिंचन आप बहुत मस्त वाला घर खरीद लेते हैं और उसमें ही रहेंगे, पुराने वाले घर में थोड़ा रहने वाले। हाँ यार ये बात सही है यार, पुराने वाले घर में नहीं रहेंगे। अरे यार कैसी ड्राइव कर रहे हो यार गाड़ी, सिंचन इस गाड़ी में तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है यार। और क्या फ्रिंगल भैया ऐसी सुपर कार नाम थोड़ा ना इस गाड़ी का। और गाइस जब तक हम यार अपने नए घर में पहुंच रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। फाइनली गाइस हम बस अपने नए घर पे पहुंच गए, और गाइस आप सोच रहे होगे हमने इतनी जल्दी नया घर खरीद तो खरीद कैसे लिया। गाइस मैंने ना माइकल को कॉल कर दी थी, और माइकल ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा घर खरीद दिया। ये माइकल बता रहा था ये ना उसने अपने लिए खरीद रखा था, लेकिन माइकल ने ये अभी मुझे दे दिया है। और वाह यार ये घर कितना ओपी है यार, मेरे पुराने वाले घर से तो ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बढ़िया करके सोफे लगे हुए हैं, मैं तो यहाँ पे मस्त करके चाय पीते पीते एकदम टीवी देखे करूंगा। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे ख्याल से नीचे भी कुछ रूम है, जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं यार। बेसमेंट में बढ़िया करके रूम वगैरह बना रखे इस घर के अंदर, तो माइकल ने मेरे को बहुत अच्छा घर गिफ्ट कर दिया। अरे यार ये तो अपना बेडरूम है, यहाँ तो मस्त करके नींद आएगी मेरे को, कितना अच्छा घर लग रहा है मेरे को। सिंचन कहाँ रह गया ये? अरे यार फ्रिंगल भाई मैं तो छत पे हूँ यार, फ्रिंगल भाई ऊपर देख रहा हूँ यार, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बढ़िया करके खाऊंगा। अब सिंचन तू तो हमेशा कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। और ये रूम देखो यार कितना प्यारा है, इसे तो मैं बढ़िया करके गेमिंग रूम बनाने वाला हूँ। चलो गाइस आप लोगों को मैंने यार बर्थडे विश कर देता हूँ, आज जिन भी लोगों का बर्थडे है ना यार मैं आप सबको यार हैप्पी बर्थडे विश कर देता हूँ। तो यार फैज खान का ना आज हैप्पी बर्थडे है, फैज खान यार आज आपको हैप्पी बर्थडे यार। और यार वर्धमान जैन का भी आज हैप्पी बर्थडे है, वर्धमान जैन यार आपको भी हैप्पी बर्थडे यार। और यार खुशबू का भी आज हैप्पी बर्थडे है, खुशबू आपको भी हैप्पी बर्थडे। और यार आज ना नजराना का भी हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको। और सूफियान का भी आज हैप्पी बर्थडे है, आपको भी यार हैप्पी बर्थडे। फ्रेंकिल भैया यार कहां हो तू? अबे सिंचन मैं क्या कह रहा था, अब इस घर के लिए हमें और क्या लेना चाहिए? अरे यार फ्रेंकिल भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, इस घर के लिए ना बहुत सारी पेंटिंग लेके आएंगे। हाँ सिंचन अब तो बहुत पैसे है, जो चाहिए वो लेके आ जाएंगे। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंकिल सिंचन आपके भाई तो है। जल्दी से गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।